हेलो माय डियर फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति एंड हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग LIC पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसके रहते हमें अपनी पॉलिसी बंद करवानी पड़ जाती है या फिर हमें अपनी पॉलिसी सरेंडर करवानी पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर सरेंडर पॉलिसी हमें करवानी पड़ती है तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्लस इसमें सरेंडर वैल्यू हमें क्या मिल सकती है और सरेंडर करवाना सही है या फिर गलत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये बातें जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LIC पॉलिसी अगर आप लेते हैं और अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं तो आप इसे सरेंडर करवा सकते हैं अगर आपने 3 साल का प्रीमियम अपनी पॉलिसी में जमा करवाया है तो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मान के चलते हैं कि आपने 2 साल का प्रीमियम जमा करवाया था और उसके बाद आपने किसी भी रीज़न से पैसे उसमें जमा नहीं करवाया, प्रीमियम जमा नहीं कर पाया, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और आपको उसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, इसलिए अगर आपने अपनी पॉलिसी में 2 साल प्रीमियम दिया है या 1 साल दिया है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको आपका पैसा जो आपने जमा किया है वो आपको वापस मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 3 साल का पैसा जमा किया है तो उस सिचुएशन में पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। तो अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि अगर आप भी अपनी पॉलिसी सरेंडर करवाना चाहते हैं या फिर आप एजेंट हैं और आपके जो क्लाइंट हैं वो पॉलिसी सरेंडर करवाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो पहला डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर लगता है वो हमारा होता है LIC का ओरिजिनल बॉन्ड। सबसे पहले फ्रेंड्स, पहला डॉक्यूमेंट हमारा ये हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स हमारा होता है यहाँ पे नेफ्ट फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म होता है नेफ्ट, यानी कि जो आपका पैसा आता है वो आपके बैंक में आता है। इसके लिए जो नेफ्ट फॉर्म होता है उसमें आपकी बैंक की डिटेल्स फिल की जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे तीसरा बात करूँ तो यहाँ पे एक होता है सरेंडर फॉर्म, जिसमें कि आपको आपकी पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल्स भरनी होती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक हैंड राइटिंग लेटर होता है, यानी कि एक लेटर आपको अपने हाथों से लिखना होता है जिसमें आपको ये बताना होता है कि आप अपनी पॉलिसी को क्यों सरेंडर करवा रहे हैं, यानी कि आपको उसमें रीज़न बताना होता है अपनी पॉलिसी कैंसिल करवाने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ID प्रूफ भी लगता है, यानी कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि पॉलिसी सरेंडर करवाने के लिए लगते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सरेंडर वैल्यू कितनी होगी या फिर कितनी हो सकती है, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि आप अगर अपनी पॉलिसी कभी भी सरेंडर करवाते हैं तो आपको लगभग आपने जितना भी पैसा जमा करवाया है उसका 60 से 70% तक आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप अपनी सरेंडर वैल्यू की करेक्ट वैल्यू जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी होम ब्रांच, यानी कि आपने जहाँ से भी पॉलिसी ली थी, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूँ कि सरेंडर करवाना सही है या फिर गलत, तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करवाना चाहते हैं और आप इस कन्फ्यूज़न में हैं कि पॉलिसी सरेंडर करवाएं या फिर ना करवाएं, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरी माने तो हो सके तो आप पॉलिसी सरेंडर ना करवाएं, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जितना पैसा जमा करते हैं उसका आपको 60 से 70% ही मिलता है, यानी कि 30 से 40% आपका पैसा LIC डिडक्ट कर लेता है, माइनस कर देता है। तो फ्रेंड्स वो आपका लॉस होता है और फ्रेंड्स इसमें आपका लॉस होता है। अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को बिल्कुल भी सरेंडर ना करवाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।